माने रहीम हैदराबाद में सिविल अस्पताल में इनका भतीजा दाखिल था, उसका नाम हसन था। उसकी तीमारदारी के लिए मौजूद एक शख्स वहां आता है, मरीजों को पैसे बांटता है। ये उसको देखते हैं, उसके बाद उसके करीब जाते हैं, उससे पूछते हैं आप कौन हो। वो कहता है मैं तो जेडीसी में होता हूँ। और फिर ये अपने बोलते हैं कि हमें भी रक्षा चाहिए, जेडीसी लोगों को रक्षा मोटरसाइकिलें देती है। वो इनको बोलता है कि ठीक है मैं हैदराबाद का हेड हूँ आपका, आप मुझे कराची में 30,000 रुपये कैश पहुँचा दें। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 लोगों को आज उसने कराची बुलाया नुमाइश चौरंगी पर, और इनसे 30,000 रुपये 4,4 लाख रुपये के रक्षे के, 4,5 लाख रुपये का 30,000 दो हम तुम्हें रक्षा दे देंगे। ये लोग यहाँ उतरे हैं, उसने इनको रिसीव किया है, इनसे कैश लिया है, उसके बाद इन सबको रक्षा में बैठाया कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अफ्तार कराऊं। सदर में लेकर गया, बच्चों को कोल्ड्रिंक दिलाई और वहां से गायब हो गया। उसकी किस्मत खराब थी, यहाँ पर हमारे जेडीसी के लगे हुए बेशुमार कैमरे, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग सैरी करने आते हैं। अब मैं आपको इसके आगे की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ किस तरह से फ्रॉड हुआ है। अब ये कानूनी कार्रवाई करेंगे जाके, और मैं गुजारिश करूंगा इंतजामिया से, सुलझा बाजार पुलिस से, के जब भी पर्चा कटवाएं तो इस शख्स को गिरफ्तार करेंगे। आया और कितने लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। ऐसे ही आज एक शख्स शादरा लाहौर में पकड़ा गया, जो जेडीसी की और मेरी तस्वीरें बहुत बड़ी लगा के लोगों से कह रहा था कि मैं सस्ता आटा बांटना चाह रहा हूं, मुझे पैसे दो। हमने उसको पकड़वा दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। जेडीसी का कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, जेडीसी फलाही इदारा है, कोई सियासी तंजीम नहीं है कि रोडों पे और चौकों पे कैंप लगाएगी। जेडीसी जो काम करती है इंसानियत की खिदमत के लिए करती है, सारे काम फ्री है। डायलिसिस के पैसे नहीं लेती, जो लेफ्ट की मशीनें लगी हैं अरबों रुपए की, इसके कोई पैसे नहीं है। एजुकेशन सेंटर के कोई पैसे नहीं है, आईटी सिटी में कोई फीस नहीं है, सब फ्री है सिवाय एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस भी इंशाल्लाह जल्द फ्री हो जाएगी। तो इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है पूरी डिटेल आपको दिखा रहा हूं। ये शख्स जहां कहीं अगर वहां की पुलिस देख लेती तो ये FIR सोल्जर बाजार थाना कराची में कटवा रहे हैं, इसको गिरफ्तार करवाने में मदद है। आप देखें आगे हुआ क्या वाकया। ये देखें, ये वो जो पर्पल शर्ट में है, ये वो पूरा ग्रो बैठा हुआ है, ये यहां पर इंतजार कर रहे हैं उनका। अब इन्होंने देखा वो हैदराबाद वाली पार्टी पहुंच चुकी है, ये हैदराबाद वाले लोग जिनकी मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई, ये सब फैमिली पूरी पहुंची है, और लोग भी इनके आ रहे हैं। ये इन सब से हाथ मिला रहा है, इनको रिसीव कर रहा है, और ये 30,000 रुपये इन सब लोगों से, देखें ये बाकी भी पहुँचे। अभी इन सबको लेकर जाएगा कोने में, ये देखें लेकर आया कोने पर, और अभी देखिएगा आप देखते जाइए सारे मनाजिर। ये अब दूसरे कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये सबसे ले रहा है पैसे। ये सबसे पैसे लेने के बाद अब ये पैसे लेने के बाद अब इन सबको कह रहा है आप लोग मेरे घर चलो। और अच्छा, इस कार्रवाई में जहाँ अभी लेकर जाएगा वहाँ इसकी बेगम भी इन्वॉल्व है, और इसने जिस तरह से सारी डीलिंग की है, जिस तरह इन लोगों को कन्वेंस किया है, वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग भी इन लोगों के पास मौजूद है। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है इस वक्त, क्या क्या दिखाया जाए। देखें, सबसे रकम वसूल की जा रही है, और ये सबसे 30,000 रुपये लेने के बाद ये शख्स, अब देखिएगा अभी यहाँ से कितने टेक्निकल तरीके से इन लोगों को मूव करेगा कि अगर ये यहाँ खड़े रहेंगे तो बात खुलेगी। अब ये यहाँ से देखें लोगों को बैठा रहा है रक्षे के अंदर, रक्षा रोक के, और इन सबको लेकर जा रहा है कि आप लोग मेरे घर चलो अफ्तार करने, क्योंकि इनको तो हैदराबाद से बुलाया है बेवकूफ़ बना के। ये जो पर्पल शर्ट वाला बंदा है ये खुद भी बैठा, और ये अब इन सबको यहाँ से लेकर जा रहा है अफ्तार कराने के लिए। देखें, इसके बाकी ग्रोह के लोग भी आ गए हैं पीछे जो इसके साथ हैं। अब ये यहाँ से रक्षा रवाना हो गया है, और उसके बाद इन लोगों को वहाँ उतार के फरार हो गया। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ तो चूंकि बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी रूट होने वाली वामी शहरी है, ये सारे मनाजिर रिकॉर्ड हो गए। कितने लोगों के साथ इस तरह किस किस्म से फ्रॉड हो रहा होगा, किसी के बच्चों को नौकरी का झांसा कोई देता होगा, आओ मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगा दूं, आओ ये कर दूं वो कर दूं। ये एक केस एक ग्रोह पकड़ में आ गया है। मैं हुकूमत से और तमाम इदारों से गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी इस ग्रोह को पकड़ें, और इन मजलूम लोगों के बेचारे गरीब लोग कैसे कैसे 30,000 रुपए इन 5 खानदानों ने जमा किए होंगे इनको वापस दिलवाएं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चलाएं, व्हाट्सएप पे मिले तो चलाएं, ताकि इस किस्म के ग्रोह जो शरीफ पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ तरीकों से लूट रहे हैं, कोई किसी स्कीम के नाम पे बोल रहा है कि आओ मैं दिला दूं, कोई कुछ स्कीम के नाम पे, उन सबके साथ ये जुल्म का सिलसिला बंद हो। एक तो अभी तक नई माफिया बीच में शुरू हुई थी, आपके अकाउंट्स का पूछ रहे हैं फोन करके, और सेकंडों में पैसे गायब। चलें, एक ग्रोह तो ग्रिप में आया, इसकी वीडियो दिखा दी, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा।